नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, अमरावती में बंद के दौरान जो हिंसा हुई है उसके मामले में 5 और बीजेपी नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें, अमरावती में बंद के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें बीजेपी के एक नहीं बल्कि 5-5 बीजेपी नेता शामिल हैं और बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेताओं के एक एक करके बड़े कांड सामने आ रहे हैं। दोस्तों इस खबर से भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। बात करेंगे इस पूरी खबर की विस्तार से, लेकिन अगर आप भी ये मानते हैं कि देश के अंदर महंगाई चरम पर है, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देकर महंगाई को कम करना चाहिए, तो हमारी इस छोटी सी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दरअसल आपको बता दें, अमरावती में बंद के दौरान हुई हिंसा के मामले में 5 और बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों बीते दिनों महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान हुई तोड़फोड़ के मामले में स्थानीय पुलिस ने मंगलवार को 5 और बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 3 वर्तमान पार्षद भी शामिल हैं और बंद बीजेपी नेताओं की ओर से बीते शनिवार को बुलाया गया था। दोस्तों इसी दौरान कई दुकानों में तोड़फोड़ के साथ ही वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया और इसी दौरान कई जगहों पर पथराव और आगजनी भी की गई। मामले के दौरान 9 पुलिस वालों को भी घायल कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के गिरफ्तार के नेताओं के नाम जयंत देकर, बादल कुलकर्णी, प्रदीप सोनी, लवीना हर्ष और संध्या टिकले हैं। सभी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत मिल गई है। दोस्तों इससे पहले राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अनिल बोंडे, बीजेपी प्रवक्ता तुषार भारती व अन्य कुछ नेताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस का कहना है कि ये सभी अभियुक्त बंद के दौरान राजकमल चौक पर थे। वहां पर 4 वाहनों और 2 दुकानों के आग के हवाले कर दिया गया था। कई दुकानों के शीशे भी तोड़ दिए गए थे। बवाल और हिंसा के दौरान रुकने के लिए अमरावती में दिन में कई बार इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ा। दोस्तों लगातार 4 दिन तक कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और इस वजह से आम लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी तक दोनों समुदाय के 188 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोस्तों शुक्रवार को हुई हिंसा को लेकर 91 लोगों को, जबकि शनिवार को हुई हिंसा को लेकर 97 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालात पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार की मंत्री यशोमती ठाकुर भी हिंसाग्रस्त इलाकों के दौरान अपनी निकल नहीं पाई। दोस्तों देखिए कि बीजेपी नेता ही जो देश की रखवाली करने वाले इस कुर्सी पर बैठे हैं, अब वही आपस में भिड़ाने पर उतर आए हैं। यानी अब जो हिंसे मामले सामने आ रहे हैं दोस्तों, लगातार ऐसी घटनाएं सामने चली आ रही हैं। दोस्तों अब देखना ये होगा कि बीजेपी यानी बीजेपी के सत्ता के जो नेता हैं, अब केंद्र सरकार उनके साथ किस तरीके का सलूक करती है, उनके साथ किस सलीके का सलूक करती है और किस तरह का बर्ताव करती है, उन्हें गले से लगाती है फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। क्या राय इस खबर को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।